हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, कार्बन में संकरण, कार्बन में कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण हो सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो कार्बन में सामान्यतः तीन प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं? तीन प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में पाए जा सकते हैं। अब तीन प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं उन तीनों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, वन बाय वन इन तीनों को समझते हैं कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण पाया जाता है वो sp हो सकता है, sp2 हो सकता है और sp3 हो सकता है। मतलब कार्बन में तीन से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो कार्बन में कितना हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं? sp, sp2 और sp3 हो सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं और फिर हम इसको समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और तीसरा लिखा मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इन सबके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है एथेन, इसका नाम क्या है? एथीन। इसका नाम क्या है? एथाइन। क्लियर? तो हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर कार्बन कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, ठीक है ना, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों या हुआ कैसे, उसकी तरफ अभी हम चलते भी समझ में आ जाते हैं। देखो जब हम इसकी तरफ चलते तो इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन और एग्जांपल ले लिया मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड CH का। अब जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH का लिया तो इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूं। जब मैंने ओपन किया तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H ऐसा कुछ मैंने इसको लिख दिया। क्लियर? अब आप यहां पर देखेंगे कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो यहां पर हम लोग देखें तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का तरीका सिग्मा बॉन्ड का कि जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, जहां पर डबल बॉन्ड हो गया वहां पर एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर सेंटर वाला सिग्मा होगा और उसके टॉप और बॉटम वाला पाई होगा। क्लियर है यहां पे? अब समझ में आ गया होगा। हम देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, यहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा तो सेंटर वाला सिग्मा, ऊपर नीचे वाला पाई। इतना क्लियर? अब जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम यहां पर उसको काउंट भी कर लेते हैं। एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखो, समझ कर रखो, ये बात है कि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन ओनली पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड का पार्टिसिपेशन होता है, पाए बंद की भागीदारी वहां पर नहीं होती। क्लियर? तो अब यहां पर इस पहले वाले कार्बन की मैं बात करता हूं, फिर दूसरे कार्बन की बात। पहले कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो एक और एक दो, दूसरा वाले के पास एक और एक, तो पहले में भी कितने सिग्मा बॉन्ड है? दो, तो एक एस और एक दो हो गए। फिर यहां पर भी एक एस और दो, एक एस और एक पी, यानी दो। इस तरीके से इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp हो गया। अब आप बोलोगे कि सर पी तो तीन होते हैं, px py pz, उसको भी हम समझ लेते हैं कि आखिरकार इसको लिखे कैसे या बनाए कैसे। देखो अभी हम चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। ये हमने बना दी इसकी ग्राउंड स्टेट। अब जब इसकी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो आप एक्साइटेड स्टेट में क्या लिखोगे? 1s2। यहां पर पहले ग्राउंड स्टेट बना रहा हूं 2s2, ठीक है, और यहां पर क्या लिख दोगे आप लोग? 2p2। क्लियर यहां तक? ये बना दिया मैंने मूल ऊर्जा स्तर। आगे क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन उठकर इधर की तरफ आ गया। जब हमने इसको क्या कर दी? एनर्जी प्रोवाइड कर दी। जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन एस का जंप करके किस में आ गया? पी में।
अब आपको टोटल अनपेयर्ड अयुग्मित कितने दिखाई दे रहे हैं, चार दिखाई। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, दो, दो है ना कार्बन। तो पहले कार्बन की कंडीशन तो दूसरे की भी यही रहेगी, अगर समझ में। अब दूसरा मैंने यहां पर बना दिया, देखो दूसरा भी ऐसा कैसे बना दिया, ठीक है अभी आपको पूरी चीज क्लियर होगी। अरे समझ में, अब हुआ क्या, देखो एक हाइड्रोजन पहले वाले कार्बन के साथ अटैच, एक हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो यहां पर मैं कह दूं कि एक हाइड्रोजन तो ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, यहां तक क्लियर है क्या समझ में। तो किसने पार्टिसिपेशन किया, एस ने, पहले का भी एस है दूसरे का भी एस है, पहले कार्बन का भी एस है दूसरे कार्बन का भी एस है। आगे चलो, फिर क्या हुआ कि इसके इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग होगी, साझेदारी होगी, ठीक है। तो इन दोनों की साझेदारी के फलस्वरूप कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना रखा, सिग्मा बॉन्ड, क्लियर ना। थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद बात करते हैं, क्लास खत्म हो जाए तो बात करते हैं। अब देखो आगे समझो, यहां पर आप देखोगे ये तुम्हारा क्या हो गया, पीएक्स हो गया। अब ये हमारा क्या है, पीवाई और पीजेड, ये पीवाई और पीजेड, इनमें भी ओवरलैपिंग हो गई, पर ओवरलैपिंग होने पर कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इसको मैं डायग्राम के द्वारा भी समझा दूं, ये तो क्लियर हो गई नहीं चीज, ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। अब डायग्राम की तरफ चलते हैं, अब डायग्राम के द्वारा यदि हम इसको समझें तो कैसे बना सकते हैं, बड़ा सरल सा है, डायग्राम के द्वारा भी इसको मैं समझा देता हूँ। इसके लिए मैं ओवरलैपिंग वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूँ, देखिए क्या होता है, मैंने लिखा कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, ठीक है, यहाँ पर एक एच है, यहां पर एक एच, ठीक है, यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है उसके कारण कौन सा बॉन्ड बना था, सिग्मा बॉन्ड बना। एक ओवरलैपिंग यहां पर भी हो रही है, यहां पर भी कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा, क्लियर यहां तक। आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं तो इस तरीके की स्थिति निर्मित हुई, ठीक, अरस बन में ये स्टेट वालों की ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन एक साथ होंगे और ये जो झुके हुए उनका ओवरलैपिंग एक साथ, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बना, पाई, क्लियर है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के आप छोड़ दीजिए। तो ओवरलैपिंग कौन सी हुई, ये हुई एसएस ओवरलैपिंग, सॉरी पीपी ओवरलैपिंग, और ये एसपी ओवरलैपिंग, तो ये हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे एसपी टू की तरफ, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, एग्जांपल लेंगे सीएच टू डबल बॉन्ड सीएच टू, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू का, यहां पर इसको मैं ओपन कर रहा हूं, एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, क्लियर, ये एक सिग्मा और एक पाई। कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, मेजर कितने, एक दो और एक, इसके पास भी एक दो और एक तीन, तीन में एक एस और दो दो एक्स दो एक्स तीन, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन हो गया एसपी टू, क्लियर। अब देखो जब एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इसको डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं, अब डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूं। देखिए यहां पर लिखा मैंने सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन, ठीक, कितना हाइड्रोजन भैया, क्लियर, क्या अटैच है, हाइड्रोजन, ठीक है,
कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। इसके बीच में यहां पर ओवरलैप हो गया सिग्मा। अब यहां पर क्या बचा? एक और पी बचा। इसमें क्या हो गया? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड। बना लीजिए इसको, ठीक है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जो कार्बन शो करता है। तीसरा एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। तीसरा sp3 एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या हुआ देखिए, हटा दो इसको। अब देखो क्या, फिर हमने कितने कार्बन लिए? दो, ठीक है। अब देखना इसको पूरा, मैं ड्रॉ करके बनाता हूं कि आखिरकार इसमें सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग को हम किस तरीके से समझा सकते हैं। यहां पर एक पी, दूसरा तीसरा, एक और कार्बन, एक दो तीन, ऐसा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहो तो इसको स्टेड बना। यहां पर इन दोनों के बीच में भी ओवरलैपिंग होती है, पीपी ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड अतिव्यापन। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। प्रत्येक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? तीन। तीन है। ध्यान रखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड नहीं होता। पहले कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने है? तो एक दो तीन चार, चार मतलब एक एस और तीन पी, तीन और एक चार, एक दो तीन चार, एक एस और तीन पी, ठीक है ना। इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ जाता है। अब आपसे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन यहां पे, क्या आखिरकार एक कंपाउंड में देता हूं और उसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं। मैंने कोई कंपाउंड लिखा बोर्ड पे CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपसे कहा गया कि आपके पास में यहां पर एक दो तीन चार और पांच कार्बन, और इन पांचों कार्बन में आप हाइब्रिडाइजेशन बताएं कि कौन से कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न क्या है? कौन से कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो बड़ा सरल तरीका है, करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ सिग्मा बंद को गिनना है। आरस बंद में मैं वहां से उल्टे चलता हूं, सिग्मा बंद को तीन और एक चार के लिए आप एक एस और तीन चार हो गया ना, इसके पास आए एक दो और एक तीन, तीन के लिए फिर इसके पास आए, ठीक है ना। इसके पास आए तो यहाँ के लिखोगे आप कि सर एक तो ये रहा, एक ये रहा दो और एक ये रहा तीन, फिर वापस फिर इसके पास आए, अब लोग सर एक सेंटर वाला दो sp, फिर इसके पास आए एक और एक दो। समझ में? तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को सिर्फ ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं कि पूरा इसको सॉल्व करें हम। ये तो था कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। इसके आगे अगली क्लास में देखते हैं।